जिलान साहब, सुनन स्वामी की याचिका पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की राय क्या होगी? आप क्या मानते हैं कि उनका दावा सही है? वाकई ये मामला प्रॉपर्टी से ज्यादा हमारे मूलभूत अधिकार का है। वो एक पर्टिकुलर एसएलपी में पिटिशनर हैं, जो एसएलपी 1996 में दाखिल हुई थी जी। एक हमने दाखिल की थी हाशिम साहब की तरफ से, और एक बाबू देवकिंदन अग्रवाल साहब ने दाखिल की थी। वो इस बारे में थी कि जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं जी, मेक शीट स्ट्रक्चर पे, वो उसमें डिस्टेंस ऑफ जो दर्शन है और जो पिलग्रिम्स के आने जाने की सहूलतें हैं, इन चीज़ों के बारे में थी। तो हाई कोर्ट ने उसको 96 में अपने ऑर्डर से कुछ बढ़ा दिया था। तो हमने उसके खिलाफ एसएलपी दाखिल की थी, और हमने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो 1994 का है उसके खिलाफ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये तय हो चुका था जी। कि स्टेटस को वही रहेगा जो 7 जनवरी 1993 को था, जब एक्ट आया था अयोध्या क्वेश्चन एक्ट जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एसएलपी में वो ऑर्डर स्टे कर दिया हाई कोर्ट का। उसके बाद उन्होंने एक एसएलपी दाखिल की देवकिंदन अग्रवाल साहब ने, जो यहाँ पिटिशनर थे, उनकी एसएलपी उसी से कनेक्ट हो गई जी। तो जब देवकिंदन अग्रवाल साहब की डेथ हो गई तो ये उन्होंने एप्लीकेशन दिया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कि हमको उनकी जगह पर बना लिया जाए पिटिशनर जी। उस पर हमने एतराज़ नहीं किया, इसलिए कोई ना कोई आदमी रहना चाहिए हमारी एसएलपी में भी, कोई आदमी अगर ना हो तो अवेट हो जाएगी जी। तो इसलिए तो वो उसमें पार्टी बन गए थे जी। लेकिन वो पिटीशन राम मंदिर या बाबरी मस्जिद की जगह के टाइटल से मुतालिक नहीं है।